खबर गुना से, जहां वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से संगठन फल फूल रहा है, जो कि केरल से संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। विभिन्न जांच एजेंसियों ने अपनी जांच के दौरान ये निष्कर्ष निकाला कि उक्त पीएफआई संगठन को विभिन्न आतंकवादी संगठनों से फंडिंग होती है तथा उन संगठन लव जिहाद और अन्य देश विरोधी कार्यों में संलग्न रहता है। अभी हाल ही में राजस्थान के करौली और अन्य राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्राओं पर एक सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई और जुलूसों पर हमले करते हुए आसपास रहने वाले हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई, जो यह दर्शाता है कि ये कोई आदेश या उत्तेजना में आकर नहीं किए गए हमले हैं, बल्कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। घटनाओं में शामिल सभी आरोपियों को चिन्हित किया जाए और आरोपियों को संपत्तियों के साथ जब्त कर आरोपियों को मिलने वाली समस्त शासकीय सुविधाएं तत्काल बंद की जाएं तथा इनकी नागरिकता समाप्त की जाए और पीएफआई जैसे संगठनों को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। भारत के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के कई सदस्य वर्तमान पीएफआई में कार्यरत हैं, जो भारत और भारतीय समाज के लिए बड़ा खतरा है। इस तरह की मांगों को लेकर राष्ट्रवादी संघ गुना द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एकत्रित होकर ज्ञापन देने आया है। इसका मुख्य संदर्भ यह है कि हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में देश में किस कदर से हिंदू तीज त्यौहारों पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनको जो पथराव किया जा रहा है, जो दंगे किए जा रहे हैं, जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने ये भी देखा है कि एक ही पैटर्न पर हो रहा है पूरा का पूरा। आप करौली देख लीजिए, आप खरगोन देख लीजिए, आप साबरकांठा देख लीजिए, आप आणंद देख लीजिए, आप सांत देख लीजिए, आप लहरकोटा देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, एक ही का एक एक पैटर्न पर किया जा रहा है, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा ये निकाला गया है, जिस इनपुट आ रहे हैं कि इसमें प्रति कट्टरपंथी संगठन है पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी भूमिका इसमें समझने को आ रही है संदिग्ध है। तो आज हिंदू समाज ने रैली निकाल कर यह कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है कि इस पीएफआई को बैन किया जाए, इसके सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाए, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और साथ ही साथ एक अपील मैं उन मुसलमानों से करना चाहता हूँ हिंदू समाज की ओर से, जो अपने आप को कट्टरपंथ से अलग रखते हैं, अपने आप को गंगा जमनी तहजीब का ठेकेदार मानते हैं, अपने आप को सेकुलरिज्म का और भाईचारे का मसीहा मानते हैं, कि आज जब इस देश में हिंदू अपने तीज त्यौहारों को नहीं मना पा रहा है, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, तो वो कहाँ है, क्यों निकल कर आज हिंदू समाज विरोध करने आया है, मुसलमान समाज सड़कों पर क्यों नहीं आया। यही मुसलमान समाज जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है तो विरोध करता है, फिलीपीन म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ कोई घटना होती है तो मुसलमान समाज विरोध करता है, अगर बेंगलोर में कोई विधायक कांग्रेस का विधायक दलित विधायक फेसबुक पोस्ट कर देता है तो उसका विरोध करते हैं, यदि नरसिम्हा सरस्वती जी कुछ कहते तो उसका विरोध करते हैं, कमलेश तिवारी कुछ कहते तो उसकी गर्दन काट देते हैं, लेकिन वही मुस्लिम समाज आज आपसी हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए सड़क पे अपने ही कट्टरपंथियों का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये उनकी मौन स्वीकृति उन कट्टरपंथियों को? यह सवाल मेरा उन सेकुलर मुसलमानों से भी है जो अपने आप को सेकुलर का ठेकेदार मानते हैं। बस क्या नाम है आपका? चेरा राजावत, राष्ट्रवादी संघ हिंदू समाज। संदर्भ में आप लोग यहाँ पर आए, आज राष्ट्रवादी संघ के सभी साथीगण जो पूरे संपूर्ण भारत के अंदर हिंदू त्योहारों पर निकाली गई शोभा यात्रा हो, रामनवमी का जुलूस हो, साथ ही हनुमान जयंती का जुलूस हो, जिस प्रकार कुछ विधर्मी लोग पथराव करके वातावरण को दूषित करते हैं, साथ ही हिंदू भाइयों के ऊपर जिस प्रकार से प्राणघातक हमला होकर उनको घायल किया जाता है, शांतिपूर्ण जो माहौल है इस भारतवर्ष का उसको दूषित करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे संगठनों के प्रति साथ ही ऐसे सख्तों लोगों के प्रति सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो, हमारी संपूर्ण समिति की ओर से संगठन की ओर से राष्ट्रपति जी महोदय को ज्ञापन के रूप में ये आवेदन देते हैं कि तुरंत प्रभाव से संगठनों पे जितने भी धार्मिक उन्माद फैलाने के कार्य करते हैं भारतवर्ष में उन सभी पे तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए, और जिन लोगों ने भी हिंदुओं के त्यौहारों पर किसी भी प्रकार से उपद्रव मचाने का प्रयास किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके तत्काल उनको कारावास भेजें। क्या नाम है आपका? कमल अस्थाना। क्या दायित्व है आपके संगठन का? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट।